आते हैं तो एक्सरसाइज 8.4 का आठ पंचायत स्टार्ट करने से पहले आते हैं, कुछ इसका ये सूत्र जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या सूत्र ये प्रयोग होता है। हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। बच्चों ये जान लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को अगर लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर तो रूट अंदर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर रूट अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, जबकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जबकि आते हैं सेक थीटा बराबर रूट अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन। जानते हैं कि हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जबकि कोसेक थीटा बराबर रूट अंदर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा बराबर रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर वन बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, या इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है वन बाय कोट थीटा। आते हैं कोस थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर वन बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, या इसी का दूसरा फॉर्मूला आता है वन बटे टेन थीटा, वन बटे टेन थीटा। चलिए बाबू, यह फार्मूला तो हो गया, इतना तो हम जान गए। चलिए फार्मूला के बाद आते हैं हम लोग सिलेबस पर। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए से के और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। साइन ए कोस ए टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। वन बटे साइन को लिख सकते हैं कोसेक, किन्हें लिख सकते हैं? चलिए लिख सकते हैं तो कोसेक को लिख सकते हैं वन बटे रूट अंदर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? इसी को लिखा है इस फॉर्म में, तो हम लिखे थे उस फॉर्म में, ठीक है ना। पहला फॉर्म हो गया कोट के रूप में, दूसरा आते हैं कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर आते हैं कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है वन बटे सेक थीटा, वन बटे सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? चलिए ये है तो ए देंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे थीटा। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं रूट अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक सेक थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट में होगा। तो यहाँ देखते हैं कि ये टेन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं वन बटे कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह फार्मूला से होता है ये टेन थीटा बराबर वन बटे कोट थीटा, कोट के फॉर्म में आ गया। आते हैं टेन बराबर टेन थीटा वाला फार्मूला होता है वन बटे कोट थीटा, या तो सभी को जानता है कि वन बटे टेन थीटा होता है, कोट के फॉर्म में हो गया। तो इसी को लिखे थे हम वहाँ दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। मतलब ये नंबर खाली बात देखता है सही है या नहीं, ठीक है ना। हाँ यह मेरा अंक अल्फाबेट नहीं है, सिर्फ दूसरा में आते हैं। कहते हैं कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। कहता है कौन ए के
सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें है दिया गया तो कहता है कौन है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन साइन है कॉस है टेन है कोट ए कोसेक ए कहता है इसको सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए जहाँ साइन थीटा को लिख सकते बाबू रूट अंदर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो कोस का फॉर्मूला होता है रूट अंदर वन बटे सेक स्क्वायर थीटा सेक के पद में हो चुका है दूसरा आते हैं कोस का तो होता ही है कि वन बटे सेक थीटा वन बटे सेक थीटा टेन का ही होता है रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन फॉर्मूला तो होता ही है कोट का क्या हो जाएगा सेक में चलिए आते हैं बदलते हैं तो सेक का हो जाएगा कोट का यहाँ हो जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है इसका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लेकिन यहाँ हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन नहीं लिख के यहाँ लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा हाँ लिख सकते हैं टेन भी लिख सकते हैं जैसे देखिए कोट ए बराबर लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा या लिख सकते हैं वन बटे टेन थीटा वन बटे टेन थीटा तो टेन को लिख सकते हैं सेक के फॉर्म में होता है वन बटे रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कोसेक थीटा वाला फार्मूला होता है ये कोसेक थीटा वाला फार्मूला होता है क्या सेक के फॉर्म में रूट अंदर वन वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा कोट को लिख सकते हैं यहाँ देखिए अभी हम लिखेंगे रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कोट को हम यहाँ कोट के जगह यह रख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो वन प्लस कोट को लिख सकते हैं वन बटे रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हम लिख सकते हैं ना हाँ तो इसी कोसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट में अभी हम जस्ट ये बताए थे फार्मूला में रूट अंदर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट अंदर जबकि यहाँ कोट को लिखे हैं वन बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन यहाँ कोट के जगह हम यहाँ रख देंगे कोई दिक्कत है कोट का तो यहाँ हम लिखिए दिए हैं तो कोसेक का है ना तो कोसेक का यह होगा ना जैसे हम बताए थे यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर रूट अंदर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा अब देखिए यहाँ कोसेक थीटा को लिख सकते हैं रूट अंदर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो यहाँ कोट थीटा बराबर लिख दिए थे वन बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन रूट अंदर में तो यहाँ कोट थीटा की जगह हम यह रख सकते हैं कि नहीं कोट थीटा की जगह यह हम रख दिए तो हमारा ये सेक के फॉर्म में आया कि नहीं तो इसी को नहीं लिखे इस फॉर्म में हम फार्मूला के रूप में तो इसी का मान हम यहाँ निकाल हम ये पहले से ही हम ये निकाल रखे हैं तो यहाँ कोट का मान मतलब निकाले हुए थे यहाँ कोट का मान हम यहाँ से पुट कर दिए यहाँ स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर दे देंगे कोई दिक्कत है नहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे कहाँ तक करना देखिए फार्मूला यही है हम खाली यहाँ कोट का मान खाली हम रख दिए ठीक तीसरा नंबर क्वेश्चन है मान निकालिए क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री आते हैं बच्चों यह दिया गया कहता है मान निकाले तीन का एक नंबर का है चलिए सॉल्व करते कहता है इस दोनों में से किसी एक को हम ये बदल देते हैं या दोनों ही अंक जो है या मेरा एक फॉर्म में आ जाएगा दोनों में से किसी एक को बदलना है तो इस दोनों अंक को एक फॉर्म में लाना है तो दोनों एक फॉर्म में लाने के लिए दोनों में से किसी एक को हमको ये चेंज करना होगा चेंज
करना होगा, तो ऊपर वाले को दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, नीचे वाले में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। चलिए आते हैं तो साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे, जैसे कि ये 63 होगा 27, क्योंकि हम ये 63 को ही चेंज कर रहे हैं, प्लस है तो प्लस, ये मेरा साइन जो है 27 डिग्री है ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि हमें एक फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में? एक फॉर्म में। यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री दिया गया है, तो 90 में से कितना घटाएंगे, जैसे कि 17 होगा 73 प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर जब इसको बदल दिए तो यह मेरा ज्यों का त्यों रह जाएगा। जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ये बताए थे 8.3 में, होता है कोस थीटा। क्या होते हैं? कोस थीटा की जगह 27 है तो 27 लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 27 है तो 27 डिग्री, बटा है तो बटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं? साइन थीटा, साइन थीटा 73 है तो 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि अभी अभी जस्ट बता दें कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होते हैं 1, यहाँ भी होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/1 का फॉर्मूला क्या होगा? 1, 3/2, 3/2 नंबर है, क्या था? साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। अगर इसमें हम अगर ये 25 बदलते हैं, इसमें भी हमें ये कितना बदलना होगा? 25। अगर इसमें हम 65 बदलते हैं, इसमें भी हमें ये कितना बदलना होगा? 65। तो दोनों में से किसी एक आप एक जाति को हम ये बदल देंगे। अगर इसमें 65 बदलते हैं, इसमें भी हमें 65 चेंज करना होगा। अगर यहाँ 25 चेंज करते हैं, तो यहाँ भी हमें 25 चेंज करना होगा। बताते हैं तो साइन, तो 90 में से कितना घटाएंगे, देखिए 25 होगा 65 इंटू दिया गया है कोस 65 प्लस कॉस, यहाँ भी 25 बदले रहे तो यहाँ भी हम ये कितना बदलेंगे? 25 ही। तो कॉस 90 में से कितना घटाएंगे, देखिए 25 होगा 65 इंटू साइन 65 दिया गया है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर जानते हैं कि होता है कोस थीटा, थीटा की जगह 65 है तो 65 लेंगे, इंटू का मतलब होता है गुना, कॉस 65 पहले से दिया गया है प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 65 है तो 65 लेंगे, इंटू का मतलब गुना साइन 65। जानते हैं कि कॉस इंटू कॉस बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, साइन इंटू साइन बराबर साइन स्क्वायर थीटा। आते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला से क्या होता है बाबू? 1 आंसर। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा दिया गया है, इसका ऑप्शन में 1, बी में 9, सी में 8, डी में 6। ठीक, कहता है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, जानते हैं कि दोनों में 9 है, तो दोनों में 9 नहीं नहीं लिखने पर हम यहाँ ले सकते हैं कॉमन, जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी अभी जस्ट इसके पहले फार्मूला बताए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला होता है 1, क्या होता है 1, 9 गुना 1 करेंगे कितना होगा 9। देखते हैं कि 9 यहाँ किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4/2 अतः 1 प्लस 10 थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा, इसका ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2, -1 0, 1, 2, -1। आते हैं देखते हैं कि इसमें हमारा हल करने पर कौन सा ऑप्शन मैच खाएगा। चलिए आते हैं सवाल पर, 1 प्लस 10 थीटा प्लस sec थीटा आते हैं 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। जानते हैं कि 1 प्लस ये 10 थीटा वाला फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sec थीटा वाला फॉर्मूला होता है 1 बटे sec cos थीटा, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट दिया गया, 1 प्लस cot थीटा वाला होता है cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cosec थीटा वाला होता है 1 बटे sin थीटा।
जानते हैं कि यह मेरा भिन्न का जोड़, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो वन रहता है, तो यह मेरा भिन्न का जोड़ है, यह मेरा क्या है भिन्न का जोड़ और ये घटाव दोनों, तो यह भिन्न का जोड़ है। सबसे पहले भिन्न का जोड़ निकालते हैं, वन कॉस कॉस का लघुत्तम कितना होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से वन से भागा देंगे कॉस में, तो कॉस होगा कॉस गुना वन कॉस थीटा, प्लस है तो इससे भागा देंगे तो वन होगा वन गुने साइन साइन, प्लस है तो इससे भागा देंगे तो वन वन गुना वन वन हो। उसी प्रकार यहाँ करेंगे वन साइन साइन का लघुत्तम कितना हो जाएगा साइन, तो वन से भागा देंगे साइन में, तो साइन होगा साइन गुना वन साइन थीटा, प्लस है तो प्लस साइन से भागा देंगे वन आएगा वन गुने कॉस कॉस थीटा, इससे भागा देंगे तो आएगा वन वन गुना वन वन माइनस वन। जानते हैं कि यहाँ इसको यहाँ से यहाँ तक मानते ए इसको बी, यहाँ से यहाँ ए इसको, जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आते हैं यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, कहाँ वन है यहाँ, यहाँ तो वन तो यहाँ ये दिया गया है, तो फॉर्मूले से ही हम रखे हैं, इसलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा वन ही होता है। जानते हैं यहाँ दिया गया कोश टाइन टू साइन थीटा, चलिए आते हैं यहाँ इसका फॉर्मूला से क्या होते हैं वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कोश थीटा, माइनस कितना दिया गया है वन कोश थीटा इंटू साइन थीटा, यह देखते हैं माइनस या प्लस कैंसिल हो रहा है, बच गया टू साइन थीटा इंटू कोश थीटा बटे कोश थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए आते हैं कोश से कोश कैंसिल एक भाग में एक गुना में साइन से साइन कैंसिल, बच गया कितना दो, देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा वन माइनस साइन थीटा के किसके बराबर है, किसके एक नंबर में दिया गया है से के, दो में साइन है, तीन में दिया गया है कोसे के, डी में दिया गया कॉस ए। चलिए आते हैं देखते हैं क्वेश्चन से, सेक ए प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद वन माइनस साइन थीटा, जानते हैं कि सेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है वन बटे कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस थीटा कॉस थीटा। जानते हैं कि वन माइनस साइन थीटा मेरा दिया गया है, इसके नीचे कुछ मेरा क्या रहता है वन, जानते हैं कि यह भिन्न का जोड़ है तो हम इसको भिन्न का जोड़ निकालते हैं, तो कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस ही होते हैं, तो इससे भागा देंगे तो वन बचेगा वन गुना वन करेंगे तो वन होगा, इससे भागा देंगे तो वन वन गुना साइन साइन होगा बटे बच गया वन माइनस साइन थीटा बटे वन। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कॉस गुना वन कॉस कॉस गुना वन, ये वन का स्क्वायर वन ही होंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, तो कोस स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिखना कोस थीटा गुने कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैसे बचा क्या कॉस थीटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है डी, ऑप्शन नंबर डी। जाते हैं चार का चार नंबर, दिया गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, एक में दिया गया सेक स्क्वायर, बी में है माइनस वन, सी में है कोट स्क्वायर थीटा, डी में है टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। आते हैं देखते हैं सवाल से, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा
बटे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला। जानते हैं कि सेक थीटा वाला फार्मूला होता है वन बटे कोस थीटा, कोसेक का होता है वन बटे साइन थीटा। जानते हैं कि यह मेरा मेन भाग है भाग के उल्टा गुना, जैसे ही भाग के उल्टा गुना होगा तो कोस साइन ऊपर कोस नीचे, तो साइन बटे कोस किसका होता है फार्मूला टेन थीटा का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, चार ऑप्शन नंबर चार। अतः निम्नलिखित को सिद्ध करें, सिद्ध कहता है पांच के एक नंबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। इसको मान लेते हैं LHS, RHS में को क्या लाना है पता नहीं है। चलिए आते हैं LHS, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आते हैं इसका ही दोनों का एलसीएम लेते हैं, भिन्न का घटाओ तो साइन जाओ साइन का एलसीएम साइन, जब इससे भागा देंगे जब मेरा बेस समान है तो अंश मेरा जब कहते हैं उतर जाएगा वन माइनस कोस थीटा स्क्वायर है दो स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर नहीं देंगे, हम इसको अलग अलग यहाँ से कर सकते हैं। कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है यहाँ आप लोग जानते होंगे, अभी भी जस्ट बताए थे कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो यहाँ वन का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, जब यहाँ वन का स्क्वायर लिखेंगे तो वन एन होगा, इसको फार्मूला पर ये रखने के लिए वन का स्क्वायर किया, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जानते हैं कि ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिखना, कितने बार दो बार, तो वन माइनस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा बटे वन प्लस कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा, तो यह सिया हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया वन वन माइनस कोस थीटा बटे वन प्लस कोस थीटा। प्रूफ आर एच एस, प्रूफ आर एच एस। क्वेश्चन नंबर पाँच का दो, पता है दिया गया कोस ए बटे वन प्लस साइन ए, कोस ए बटे वन प्लस साइन ए बटे कोस ए, क्या लाना है हमको नहीं पता। चलिए आते हैं यह LHS से है, या भिन्न का जोड़े जानते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है, नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, जब इससे भागा देंगे वन प्लस साइन ए से बचेगा मेरा कॉस ए, कॉस ए पहले से दिया गया तो कॉस ए गुना कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, जब इससे भागा देंगे तो कॉस के एलसीएम बचेगा वन प्लस साइन ए, तो यहाँ वन प्लस साइन ए पहले से दिया गया तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए तो है ही प्लस वन प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बटा है तो बटा, तो वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होते हैं वन, क्या होते हैं वन, अब वन दिया गया पहले से तो वन टू साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जानते हैं कि वन प्लस वन होता है टू, कितना होते हैं टू, अब प्लस टू दिया गया साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जानते हैं कि दो दो दोनों में, तो दो दो नहीं रखे हम, दो दो यहाँ कॉमन ले सकते हैं, जब यहाँ दो कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा वन प्लस साइन थीटा, बच गया वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखते हैं कि यह भाग में या गुणा में कैंसिल हो रही है, बच गया दो बटे कॉस थीटा, कोस के उल्टा क्या होते हैं सेक, तो टू सेक थीटा। प्रूफ आर एच एस, प्रूफ आर एच एस। टेन थीटा
बट वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट वन माइनस टेन थीटा बराबर है वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए आते हैं यहाँ से, या LHS दिया गया हमको, RHS लाना है हमको, RHS प्लस नहीं है यहाँ, पाँच का तीन ही है, क्वेश्चन ये गलत है, वो क्वेश्चन ये गलत ही है। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, बटा है तो बटा वन माइनस कोट थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस है तो प्लस कोट थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा वाला फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। चलिए आते हैं देखते हैं कि यह मेरा भिन्न का घटा है, यह भी भिन्न का घटा, पहले हम इसका निकालते हैं भिन्न का घटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बाय दिया गया वन, यहाँ साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता वन रहता है, इससे भागा देंगे तो साइन साइन बचेगा साइन गुने वन साइन थीटा, साइन से भागा देंगे बचेगा वन वन गुने कॉस कोस थीटा, प्लस है तो प्लस, या यहाँ बच गया कोस थीटा बटे साइन थीटा बाय है तो बाय, इसके नीचे कुछ नहीं रहता वन, तो वन और कोस का लघुत्तम कॉस, इससे भागा देंगे बचेगा कॉस कॉस गुने वन कोस थीटा, माइनस है तो इससे भागा देंगे तो वन वन गुने साइन साइन थीटा। चलिए आते हैं, यह मेरा भाग हो गया तो भाग के उल्टा क्या होते हैं, जैसे ही गुना होगा तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा अगुने साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस है तो प्लस, आते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, जैसे यहाँ किए थे भाग के उल्टा गुना, यहाँ भी कर देंगे भाग के उल्टा गुना तो हो जाएगा कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए आते हैं साइन गुना साइन क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, बच गया यहाँ कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस कोस गुने कोस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखते हैं कि हर मेरा ये इक्वल नहीं है, हर इक्वल नहीं, तो इक्वल करने के लिए तो यहाँ मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ बच जाएगा फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखते हैं कि हर मेरा समान हो गया, अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब इससे भागा देंगे बचेगा साइन, तो साइन साइन स्क्वायर गुणे साइन साइन क्यू थीटा, तो यहाँ बचेगा कॉस क्यू थीटा, तो यहाँ बच गया साइन ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, बटा है तो बटा, बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखते हैं कि यह गुना भी या मेरा भाग में कैंसिल हो रहे हैं, बच गया यहाँ इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटा है तो बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जानते हैं इसका फॉर्मूला सोते हैं वन, साइन थीटा इंटू दोनों को यहाँ से हम बारीक बारीक से अलग कर देते हैं, तो वन बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जानते हैं कि यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा वन, यहाँ बच गया वन बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस वन, साइन साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक,
इंटू कोस के उल्टा से का प्लस क्या हो गया, हम इसी को स्टोर जाके लिख देते हैं, वन प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्रूफ आर एच एस, प्रूफ आर एच एस आ गया। आइए देखते हैं पाँच का तीन तक ये सॉल्व हुआ था, पाँच का चार नंबर से आते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया वन प्लस से के बटे से के बराबर साइन स्क्वायर बटे वन माइनस कॉस है। चलिए आते हैं देखते हैं लेचे से वन प्लस सेक ए बटे सेक ए, जानते हुए कि सेक ए का फार्मूला होता है वन बटे कॉस ए, बाय है फिर सेक का फार्मूला होता है वन बाय कॉस, जानते हैं कि भाग के उल्टा गुना होता है, तो मेरा मेन भागा हो गया, जब मेन भागा हो गया तो भाग के उल्टा क्या होगा गुना, वन बटे कॉस ए, जैसे ही गुना होगा कॉस ए तो ऊपर चला जाएगा कॉस ए बटे क्या आएगा नीचे, यहाँ बच गया क्या, जब इससे हम भागा तो इसका निकालेंगे भिन्न का जोड़ तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो वन हम रख सकते हैं, तो वन और कॉस का लघुत्तम होता है कॉस, क्या होते हैं और जब वन से हम ये डिवाइड करेंगे कॉस में तो आएगा कॉस, तो कॉस गुना वन करेंगे तो कॉस ए, प्लस है तो प्लस, कॉस से हम डिवाइड करेंगे ये कॉस में तो आएगा वन, वन गुना वन करेंगे तो वन, मल्टीप्लाई है कॉस वन ए बटे वन, तो यह गुना में यह भाग में कैंसिल हो रहा था बच गया वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, जानते हैं कि वन प्लस कॉस ए है तो हम यहाँ जानते हैं कि हर अंश तथा हर में वन माइनस कॉस थीटा से भाग देने पर अंश तथा हर में वन माइनस कॉस थीटा से भाग देने पर, चलिए आते हैं देखते हैं, यह दिया गया वन प्लस कॉस थीटा इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो वन रहता है गुना है तो वन माइनस कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा कर दिए, यह दोनों करेंगे तो यह दोनों एक जाते हैं कैंसिल हो जाएंगे तो मेरा इतना ही बचेगा, जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे वन माइनस वन से गुना करेंगे वन माइनस कॉस थीटा तो होगा वन माइनस कॉस थीटा, आते हैं तो वन का स्क्वायर वन ही होता है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला क्या होते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा, देखते हैं कि आ गया मेरा हो गया प्रूफ आर एच एस, आर एच एस कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, एलएचएस में दिया गया तो यहाँ करेंगे हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण हो गया, हर परिमेयकरण अगर नीचे में माइनस है तो यहाँ से हम मानते हैं ए तो इसको बी, तो ए माइनस बी अगर नीचे में माइनस है तो हम किससे गुना करेंगे प्लस से, तो प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, जानते हैं कि इसको पहले सोरिया लेते हैं वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बाय, यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, उन्हें तो इसको भी सोरिया लेते हैं वन प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस, यहाँ तो इसको मान लेते हैं ए तो इसको बी, तो इसको भी ए इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय, इसको मानते हैं तो इसको भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मानिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही बाय है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होंगे, जानते हैं तो इसका फार्मूला क्या होते हैं वन, यहाँ एक माइनस से एक प्लस कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं कोई दिक्कत है, बच गया यहाँ वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर
थीटा बटे बच गया यहाँ कितना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जानते देखते या मेरा सब कॉस में, इसको भी हम ये बदल देते हैं कॉस में, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाय है तो बाय टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आते हैं देखते हैं, जब यहाँ ब्रैकेट तोड़े तो अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ना होगा माइनस से, माइनस से ब्रैकेट तोड़ने के लिए क्या करेंगे, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आते हैं देखते हैं यहाँ दिया गया है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखते हैं यहाँ मेरा वन प्लस है वन माइनस है तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन वन टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा बटे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए आते देखते यहाँ दो कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है टू कॉस थीटा, तब तब यहाँ से दो कॉस थीटा कॉमन हो रहा है, यहाँ बच गया, यहाँ जब दो दो में से बाहर किए थे यहाँ एक तो बचेगा ही, जब यहाँ से दो दो कॉस थीटा बाहर कर लिए तो कुछ नहीं बचता, क्या बचता है वन, यहाँ बच गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखते हैं दो से या गुणा में या भाग में कैंसिल हो गया, या भाग में या गुणा में कैंसिल हो गया, बचा यहाँ कॉस थीटा प्लस वन बटे साइन थीटा। आते देखते हैं इसको बारीक बारीक से हम यहाँ अलग कर लेते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस वन बटे साइन थीटा। देखते हैं कॉस बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है, को थीटा का, साइन का उल्टा क्या होते हैं कोसेक थीटा, प्रूफ आर एच एस, प्रूफ आर एच एस। इसको मिटा लें, थीटा तो हमको यहाँ एल एच एस से सिद्ध करना है आर एच एस, तो लेते हैं यहाँ से एल एच एस बराबर एल एच एस दिया गया है रूट अंदर वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा। यहाँ लिख देंगे हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण तो हर में अगर माइनस है तो किससे गुणा करेंगे, वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा, जब नीचे में माइनस रहता है तो प्लस से गुणा किया जाता है, अगर ये प्लस रहता तो माइनस से गुणा करते, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस से गुणा किए, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर रूट। जानते हैं यहाँ वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, बाय दिया गया वन का स्क्वायर वन होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर नहीं देंगे, हम एक पर स्क्वायर दे सकते हैं, रूट अंदर वन प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का हॉल स्क्वायर। बताए थे कि स्क्वायर से रूट हमारा क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, जब कैंसिल हो गया तो यहाँ से मेरा बच गया वन प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ सब देखते हैं कि बारी बारी से इसको अलग हम कर देते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो वन बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आते हैं कोस के उल्टा क्या होते हैं सेक थीटा, साइन बटे कोस किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, प्रूफ आर एच एस। आते हैं बच्चों देखते हैं सात नंबर का क्वेश्चन, पता है दिया गया साइन थीटा माइनस टू साइन टू साइन क्यू थीटा, बाय है टू कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर दिया गया टेन थीटा बराबर टेन थीटा। चलिए आते हैं ये सात नंबर क्वेश्चन, चलिए नीचे से आते हैं साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटे टू कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। आते हैं देखते हैं साइन इसमें भी है साइन इसमें भी, तो दोनों में से साइन है तो दोनों साइन साइन में से एक साइन कॉमन लेते हैं, साइन साइन कॉमन लेते हैं, जब यहाँ साइन कॉमन ले लिए थे क्या बचा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, बाय है तो यहाँ भी दोनों में कोस है तो दोनों में कोस हम एक कोस को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा टू कोस स्क्वायर थीटा
माइनस वन। चलिए आते देखते हैं ऊपर वाले को बदल देते हैं चाहे नीचे वाले को बदल देते हैं, साइन को हम कोस में ये बदल दे चाहे कोस को साइन में बदल देते हैं, दोनों में से किसी एक को बदलना ही होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हम साइन को ये बदल देते हैं कॉस में टू, तो साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला था वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाय है तो बाय कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, साइन थीटा तो है ही वन माइनस, जब दो से अभी हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दो गुना वन करेंगे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस दो माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय है तो बाय कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। चलिए आते हैं साइन थीटा ब्रैकेट, देखिए यहाँ दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में तो यहाँ टू कॉस स्क्वायर थीटा आगे कर देते हैं, अब देखिए एक में से दो घटाएं कितना बचेगा माइनस वन, बाय है तो कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, देखते यह दोनों एक जाप में आ गया था कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, प्रूफ आर एच एस। मिटा दें आते हैं यहाँ देखते हैं सवाल दिया गया कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर, तो एच एस दिया गया हमको आर एच एस सिद्ध करना, चलिए आते हैं एच एस से लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर, आते हैं इसको जानते हैं कि ए इसको मानते हैं बी इसको ए इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए साइन थीटा इंटू कॉस ए थीटा, इसको भी करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस इंटू सेक थीटा। चलिए देखते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसको सुलझा देते हैं पहले, चलिए आते देखते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, कोसेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है वन, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर वन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू तो है ही, तो यहाँ दिया गया सेक इंटू कोस बराबर क्या होते हैं वन, यानी आते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा मतलब दो गुणे एक दो प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दो गुणे एक दो, देखते आते हैं एक एक दो 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 चार एक पाँच दो सात प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्रूफ आर एच एस। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट वन फिर दिया गया है कोस सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर दिया गया वन बटे टेन थीटा प्लस कोट थीटा। चलिए देखते हैं एलएचएस से, सबसे पहले एलएचएस में दिया गया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, चलिए देखते हैं यहाँ कोसेक थीटा वाला जहाँ जानते हैं फॉर्मूला कि वन बटे साइन थीटा होता है माइनस साइन थीटा दिया गया, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है वन, आते हैं सेक का फॉर्मूला आता है वन बटे कॉस थीटा माइनस कॉस के नीचे कुछ नहीं रहता क्या रहता है वन, इसका निकालते हैं भिन्न का घटाव, आते हैं कि वन और साइन का एलसीएम कितना होगा साइन, इससे भागा देंगे बचेगा वन, वन गुना वन करेंगे तो वन होगा, इससे भागा देंगे बचेगा साइन, साइन गुने साइन क्या होते हैं साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट वन कोस वन का लघुत्तम, जो प्रक्रिया यहाँ की वही प्रक्रिया यहाँ भी कर रहे हैं, तो कोस है तो कोस से भागा देंगे कोस में तो वन आएगा, वन से भागा देंगे कोस में तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा,
नहीं तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू इंटू का मतलब क्या होते हैं गुना। वन माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस थीटा। देखते हैं यहाँ दो साइन है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, दो कोस है एक कोस से एक कॉस कैंसिल, यहाँ बच गया कोस है इंटू साइन। जानते हैं हमको लाना है वन बटे टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए, तो हमको एल एच एस से इतना आया तो हमको आर एच एस से भी लाना है। किससे लाना है? आर एच एस से। जब आर एच एस से लाना है तो हम क्या करेंगे? जानते हैं यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो वन रहता है, कितना रहता है वन। तो हम जानते हैं कि वन का फार्मूला होता है कुछ ना कुछ, वन का फार्मूला होता है। तो वन का फार्मूला क्या होता है? कोस ए इंटू साइन ए। वन का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं वन को वन, क्योंकि वन का इतना फार्मूला होता है। ध्यान लिखेंगे कि अंश और हर में, अंश और हर में कोस थीटा इंटू साइन थीटा से भाग देने पर, भाग देने पर देखते हैं यहाँ आंसर हर में भाग देकर कोस ए इंटू साइन ए बटे भागा देते हैं कोस ए इंटू साइन ए से बाय अपॉन है यह दिया गया मेरा मेन भागा मेन भागा हो गया तो साइन स्क्वायर ए बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है इससे भी भागा देंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा में दे दिए। देखते हैं कि यह दोनों एक जात में तो यह दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा वन, कितना आएगा चलिए कैंसिल हो गया यह दोनों तो आया मेरा कितना वन। बाय है तो बाय। देखते हैं यहाँ दो साइन है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया बचा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस है तो प्लस। यहाँ दो को कोस है तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया बचा यहाँ कोस बटे साइन कोस थीटा बटे साइन थीटा। आते हैं यहाँ देखते हो वन बटे साइन बटे कोस किसका होता है फार्मूला टेन थीटा का, कोस बटे साइन किसका फार्मूला होता है ये हो गया। अरे देखते हैं साइन बटे कोस होता है टेन का फार्मूला जबकि कोस बटे साइन होता है कोट का फार्मूला। देखिए आ गया आर एच एस में वन बटे टेन ए प्लस कोट ए प्रूफ आर एच एस। क्या हो तो गया वही हमको ये प्रूफ करना था कोस एक थीटा माइनस साइन थीटा इसी से कर देंगे दोनों दोनों साइड से तो कोस ए माइनस एक ए। चलिए एल एच एस है दिया गया है ना तो एल एच एस दिया गया। जानते हैं कि यह कोस एक का फॉर्मूला होता है वन बटे साइन माइनस साइन ए ब्रैकेट में इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है वन कोसेक अरे दिया गया सेक। चलिए सेक का फॉर्मूला था वन बटे कॉस माइनस कोस थीटा इसके नीचे कुछ नहीं रहता क्या रहता है वन। जानते हैं कि इसका जस्ट इसके पहले निकाले थे भिन्न का घटाओ तो वन और साइन का लघुत्तम कितना होगा साइन इससे भागा देंगे बचेगा वन गुने वन वन इससे भागा देंगे साइन तो साइन गुने साइन साइन स्क्वायर थीटा इसका भी वही प्रक्रिया करेंगे जो भी किए थे प्रक्रिया तो वही आएगा तो वन माइनस आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन इंटू का मतलब होता है वन माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। साइन से यहाँ दो साइन है एक साइन भाग में है दो साइन गुणा एक साइन से एक साइन कैंसिल एक कोस एक कॉस कैंसिल बच गया यहाँ कोस थीटा इंटू साइन थीटा यह एल एच एस आया इतना। चलिए आते हैं आर एच एस से दिया गया वन बटे टेन थीटा प्लस कोट थीटा कोट थीटा। चलिए आते हैं हम लोग जानते होंगे कि ये टेन थीटा वाला फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कोट थीटा वाला फार्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए आते हैं नीचे का दिया भिन्न का जोड़ इसका भिन्न का जोड़ हम निकालते हैं क्या निकालते हैं चलिए आते हैं इसका निकालते हैं तो वन बटे इसका एलसीएम हो जाएगा साइन इंटू कॉस साइन इंटू
कॉस, जब यहाँ कॉस से भागा देंगे तो बचेगा मेरा साइन, तो साइन गुना साइन करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस, जब साइन से भागा देंगे तो साइन कैसे बचेगा कॉस, तो कॉस गुना कॉस क्या होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब आते हैं देखते हैं तो आ गया वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होते हैं वन, बच के यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस, तो यह मेरा मेन भागा तो भाग के उल्टा क्या होते हैं गुना, जैसे ही गुना होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर, अब भाई क्या बचेगा वन, देखते हैं कि नीचे में वन का कोई वैल्यू नहीं होता, देखिए एल एच एस से आया मेरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आर एच एस से आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों इक्वल है इसलिए लिखेंगे यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ, जैसे आपको सुविधा पड़ती है। चलिए आते हैं दस नंबर क्वेश्चन है, दिया गया कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दिया गया वन माइनस टेन थीटा बटे वन माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर, इतना से भी सॉल्व करना है तो इतना आना चाहिए, इससे भी सॉल्व करना चाहिए तो इतना आना चाहिए, हमको दोनों से सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा, कितना सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आते हैं एल एच एस से देखते हैं, एल एच एस है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, चलिए एक बार थोड़ा सा सवाल हम देख लेते हैं फिर से, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यह एल एच एस से दिया गया है, हम जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर और वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं फार्मूला से, जानते हैं कि सेक थीटा वाला फार्मूला होता है वन बटे कोस थीटा, से कोसेक का फार्मूला होता है वन बटे साइन थीटा, जानते हैं कि हमारा मेन भाग है तो भाग को उल्टा क्या होते हैं गुना, जैसे ही गुना हो जाएगा तो वन बटे कोस स्क्वायर थीटा गुने तो साइन स्क्वायर थीटा बाय वन, साइन गुने वन साइन थीटा, कोस गुने वन कोस थीटा, तो साइन बटे कोस किसका होता है फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया आर एच एस, यह पहला हो गया प्रूफ। दूसरा साथ हैं एल एच एस से ही, दिया गया वन माइनस टेन थीटा, वन माइनस टेन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है तो, और जानते हैं कि यहाँ ये इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे जानते हैं कि ये टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बाय है, कोट का फार्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आते हैं देखते हैं, यहाँ इसका निकाल लेते हैं ऊपर का भिन्न का घटा, इसको निकाल लेते हैं नीचे सा भिन्न का घटा, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो वन रहता है, वन और कोस का लघुत्तम कितना होगा कोस थीटा, जब इसे भागा देंगे बचेगा कोस, कोस गुने वन कोस थीटा, इसे भागा देंगे बचेगा वन, वन गुने साइन साइन थीटा अपोन है तो अपोन, तो यहाँ से भी हम एलसीएम लेंगे वन साइन का तो साइन हो जाएगा, इसे भागा देंगे बचेगा साइन, तो साइन गुने वन साइन थीटा, माने इसे भागा देंगे बचेगा वन, वन गुने कॉस कोस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आते हैं देखते हैं भाग के उल्टा क्या होते हैं गुना, जैसे यह गुना होते हैं तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा गुने भाग के उल्टा गुना, तो साइन ऊपर साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे आ गया स्क्वायर है तो स्क्वायर। जानते हैं काटने के लिए यहाँ दोनों बेस हमें समान चाहिए, क्या चाहिए समान तो है नहीं, जब समान नहीं तो इसको समान करना है, यहाँ लेकिन माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर, जब माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यह हो जाएगा माइनस, जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय दिया गया कोस थीटा गुना है साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखते हैं यहाँ मेरा दोनों एक एक जात में आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस
यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस एक अंश में है और एक हर में, लेकिन यहाँ मेरा एक ये गुना में एक भाग में, तो क्या दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस साइन ए बटे कॉस ए का हॉल स्क्वायर। तो हॉल स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिखना, तो माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुने माइनस साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस जैसे ही तो प्लस हो गया, जानते हैं कि साइन गुने साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर, जानते हैं साइन 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 बटे कॉस किसका फॉर्मूला होता है टेन का, साइन बटे कॉस तो टेन स्क्वायर थीटा प्रूफ आर एच एस बन गया। तो ये खत्म हो गया चैप्टर।